तो मध्य प्रदेश की हाई प्रोफाइल सीटों में से एक भोजपुर विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी सुरेंद्र पटवा के नामांकन शपथ पत्र को लेकर आपत्ति लगाई गई थी, जिसके बाद भाजपा प्रत्याशी का नामांकन होल्ड कर दिया गया था। अब निर्वाचन अधिकारी ने आपत्ति को खारिज कर दिया है। इसके साथ ही पटवा के नामांकन को मान्यता भी मिल गई है। INA 24/7 से खास बातचीत में विधायक और भोजपुर से भाजपा प्रत्याशी सुरेंद्र पटवा ने कहा कि आपत्ति निराधार थी। इसके अलावा कांग्रेस प्रत्याशी कुमार पटेल पर भी पटवा ने निशाना साधा है। भोपाल से लगी हॉट सीट रायसेन जिले की भोजपुर विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी सुरेंद्र पटवा को लेकर यहाँ पर कहीं ना कहीं तीन प्रत्याशियों ने यहाँ पर आपत्ति लगाई थी। उस आपत्ति की आज सुनवाई थी। कहीं ना कहीं आपत्ति की यहाँ पर सुनवाई में यहाँ पर कहीं ना कहीं जो फैसला है भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में आया, मतलब मुझे बातचीत करने के लिए सुरेंद्र पटवा, जिस तरह की बात की जाए आपकी खिलाफ आपत्ति लगाई गई थी, आज फैसला आया, क्या कहना है उसको लेकर? सारी आपत्तियां निराधार थी और हमारी लीगल टीम ने पूरा फॉर्म परीक्षण करके हम लोगों ने शपथ पत्र दिया था। मुझे तो ये लगता है कि राजकुमार जी को आज ही वो चुनाव हार चुके हैं, उनको लग रहा था कि बिना चुनाव लड़े ही हम लोग जीत जाएंगे, क्योंकि वो ये पहले भी कर चुके हैं। उनका जिस प्रकार का काम करने का तरीका है, वो कभी 33 साल पहले यहां से स्वर्गीय सुंदरलाल पटवा जी ने उनको हराया था और उसके बाद कभी किसी जनता के सुख दुख में वो वापस नहीं आए, ना विकास के मामले में ना सुख दुख के मामले में। तो मैं तो यही कह सकता हूं कि निर्वाचन आयोग ने जो फैसला लिया है वो बिल्कुल सही लिया है और हम लोग बहुत ही निश्चिंता की ओर थे। हमारे सभी लीगल टीम के मेंबर्स सभी लोग कॉन्फिडेंस में थे। क्या आपत्ति उन्होंने लगाई थी आपको, कहा शपथ पत्र में लेकर आपकी आपत्ति लगाई? कुल मिलाकर उनकी तीन आपत्तियां थी और तीनों की तीनों खारिज हुई है। कुछ आपत्तियां उनकी 2020 के कुछ केसेस थे वो खत्म हो चुके हैं। कुछ केसेस में उनका कहना था कि आपने ज्यादा केसेस होते हुए कम जानकारी दी और कुछ इनकम टैक्स के रिटर्न्स के बारे में, वो सारी जानकारी हम लोगों ने दे दी। अच्छा, तो भोजपुर से भाजपा प्रत्याशी सुरेंद्र पटवा जी से बात हुई, सबसे कहना है इस तरीके से यहाँ पर आपत्ति लेकर उनका फैसला उनके पक्ष में आया, उसको लेकर कहना है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी राजकुमार पटेल पर भी यहाँ पर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि जो प्रत्याशी 30 साल पहले यहाँ पर गायब थे वो भोजपुर में आगे चुनाव लड़ रहे हैं। कैमरामैन ब्रजेश के साथ दिनेश यादव, INA न्यूज़, रायसेन।